वह यूएस को टक्कर देने वाली आर्मी खड़ी करने में जुटा है। इसलिए चाइना हर साल अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन फुल स्विंग पर है। हाई एंड टेक्नोलॉजी, एआई और वॉरशिप्स में इन्वेस्ट कर रहा है। पर उसके ज़्यादातर रिसोर्सेस इस सेक्टर में है, जहाँ पर वो यूएस के साथ ताइवान और इंडो पैसिफिक में इन्फ्लुएंस के लिए भिड़ रहा है। चाइना और इंडिया के बीच वॉर एक लिमिटेड वॉर होगी, जो शायद दुनिया के सबसे कठिन परिस्थितियों में लड़ी जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होती है, बहुत सारे जवान तो इन कंडीशंस का ही शिकार हो जाते हैं। ऐसे कंडीशंस में स्पेशली ट्रेंड जवानों की ज़रूरत होती है, और इन परिस्थितियों में इंडिया के वॉर एक्सपीरियंस सोल्जर्स को एडवांटेजेस बताया जाता है। रिसेंटली लद्दाख के रीजन में चाइना की एयर एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कॉन्स्टेंटली LAC के 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर आ रहे हैं, जो सीधे सीधे एयर स्पेस अग्रीमेंट का वायलेशन है। कई बार 2020 के फ्रिक्शन पॉइंट्स के ऊपर से गुजर रहे हैं। चाइनीज़ के द्वारा शुरुआती अटैक कुछ इस प्रकार ही दिखेगा, पर इस बार ये प्लेन सिर्फ ऊपर से गुजरने के बजाय LAC को क्रॉस करेगा और की इंडियन मिलिट्री एसेट्स पर बम गिराना शुरू करेगा। दोनों सेक्टर्स में कोऑर्डिनेटेड अटैक किया जाएगा। इन एरियल अटैक्स के साथ ही ग्राउंड ट्रूप्स भी आगे बढ़ने लगेंगे। इन शुरुआती अटैक्स के रिस्पांस में इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट्स और एयर डिफेंस सिस्टम जल्दी से चाइनीज़ एयरक्राफ्ट्स को टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। कुछ एयरक्राफ्ट्स और मिसाइल्स से चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल लिंक्स और रोड्स को टारगेट किया जाएगा, ताकि उनकी रीइन्फोर्समेंट्स को रोका जाए। सैटेलाइट डैजलिंग और जैमिंग का इस्तेमाल करके इंडिया को चाइनीज़ सैटेलाइट्स पर अटैक करना होगा, जिससे वो LAC के एरिया में इंडियन ट्रूप्स और उनकी एक्टिविटी पर नज़र ना रख सके, उनकी लोकेशन को डिटेक्ट ना कर पाए। डीप फेक्स बनाकर लोकल चाइनीज़ नेटवर्क्स में मिस इन्फॉर्मेशन और गलत ऑर्डर्स फैलाई जाएंगी। इससे PLA के अंदर कन्फ्यूजन फैलाया जा सकता है। Why are politicians in all of Washington so concerned about deep fakes? Deep fakes can put words in people's mouths. You know, make people say things like and poop. Indian special operation forces aur ground troops strategic locations par incoming Chinese troops ka intezar karenge, taki un par terrain ke advantage ka istemal karke lethal attack launch kiya ja sake. ये ऑपरेशंस अगर कलेक्टिवली सही तरह से एग्जीक्यूट करे जाएंगे तो इंडिया एक एडवांटेजेस पोजीशन में आ सकता है। लेकिन चाइना के पास एक अलग ही वेपन है, इन यूजुअल वेपन्स के अलावा एक अलग वेपन। टिबेट को वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। 10 बड़ी नदियाँ टिबेट से निकलकर 11 अलग अलग देशों में फ्लो होती हैं, जिनमें से 3 मेजर रिवर्स इंडिया में फ़्लो करती हैं। अब चाइना इन रिवर्स को कंट्रोल करता है, जिनका इस्तेमाल वो वॉर के दौरान एज अ वेपन कर सकता है। हाइड्रो पावर की भूख मिटाने के लिए चाइना ब्रह्मपुत्रा के ऊपर डैम्स की संख्या बढ़ा रहा है। वॉर के दौरान इन डैम्स का इस्तेमाल करके अरुणाचल और आसाम में आने वाले पानी के फ्लो को रोका जा सकता है, जिससे ड्रॉट जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है इन सारे डैम्स में इकट्ठा किए गए पानी को एक साथ नीचे छोड़ना, जिससे भारी बाढ़ आ सकती है, या अंडरग्राउंड टनल्स के द्वारा पानी को शिनजियांग के ड्राई रीजन्स में डाइवर्ट किया जा सकता है, जिससे इंडिया को पानी का फ्लो रुक जाए। इससे इन रीजन्स में होने वाला इकोलॉजिकल डैमेज बहुत ज़्यादा है। ये एक प्रेशर बटन की तरह है, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है प्रेशर बढ़ाने के लिए इंडिया के लीडरशिप के ऊपर। लेकिन नीचे ओशंस में बात कुछ और है। ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मिडल ईस्ट और अफ्रीका को ईस्ट एशिया से जोड़ने वाला शॉर्टेस्ट सी रूट, और चाइना का सबसे बड़ा वीकनेस। चाइना अपने एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए इस ट्रेड पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। 2/3 ऑफ टोटल चाइनीज़ मैरीटाइम ट्रेड इस ट्रेड से गुजरता है, और 80% चाइनीज़ ऑयल इंपोर्ट्स इस ट्रेड से गुजरते हैं। इस ट्रेड के बिल्कुल मुंह के पास इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड हैं। वॉर के दौरान इंडिया अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में मौजूद नेवल एसेट्स से इस ट्रेड को ब्लॉक करके चाइनीज़ इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकता है। चाइना ये बात अच्छी तरह से जानता है
इसीलिए मलाका के स्टेट पर अपनी डिपेंडेंस कम करने के लिए वो अलग अलग ऑप्शंस ढूंढ रहा है, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ग्वादर को शिनजियांग से जोड़ता है, जिससे चाइना अपना ऑयल ग्वादर पोर्ट से चाइना के काशगर रीजन तक लैंड से ट्रांसपोर्ट करा सकता है, दस एलिमिनेटिंग द स्ट्रेट ऑफ मलाका। द म्यांमार यूनान पाइपलाइन, जिससे ऑयल और गैस बे ऑफ बंगाल से चाइना के कुमनिंग रीजन में ले जा सकते हैं। द कजाकिस्तान चाइना पाइपलाइन, जो चाइना को ऑयल रिच कैस्पियन रीजन से कनेक्ट करता है, या पूरे रूट को ही चेंज कर देना। एक पोलार सिल्क रोड जो आर्कटिक सर्कल से गुजरता है। लेकिन ये सारे काफ़ी फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन हैं, ये अचानक से स्टेट ऑफ मलाका पर चाइनीज डिपेंडेंस कम नहीं करने वाले, विच मीन्स चाइना की पोजिशन एक टिपिकल 10th पास इंडियन स्टूडेंट की तरह है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, पर साइंस के अलावा अब्बा नहीं मानेंगे। लेकिन इंडिया के लिए भी इस स्ट्रेट को ब्लॉक करना कोई आसान बात नहीं है। इस स्ट्रेट को ब्लॉक करने का मतलब होगा बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ के ट्रेड को रोकना। ऐसे में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो सकती हैं। इस सिचुएशन में कौन सा देश इंडिया के इस ब्लॉकेड को सपोर्ट करेगा, ये है इम्पॉर्टेंट सवाल। चाइना के साथ इस वॉर में पाकिस्तान की एंट्री को नकार नहीं सकते। जब इंडिया चाइना के साथ वॉर में होगा, तब पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाकर कश्मीर पर अटैक करना एक हाईली पॉसिबल सिनारियो है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया के पास इनफ बूट्स ऑन ग्राउंड और मिलिट्री एसेट्स हैं जो चाइना के साथ पाकिस्तान के इस थ्रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। हम जितना भी ट्राई करें, ऐसे सिचुएशन में हमारे अंदर का देशभक्त इंडिया को ही एडवांटेजेस बताएगा। ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी होता है हमारे अंदर के देशभक्त को साइड में रखना और देखना फैक्ट्स को। हाँ, ये बात सच है कि हमारे पास माउंटेन और हाइट्स में लड़ने का और इंडियन ओशन की प्रॉक्सिमिटी का एडवांटेज है, पर यह भी एक फैक्ट है कि चाइना ने अपने आर्म्ड फोर्सेस को बड़ी तेज़ी से मॉडर्नाइज किया है और अलग अलग मल्टी डोमेन वॉरफेयर में इन्वेस्ट कर रहा है। वी जस्ट सॉ कि इंडिया और चाइना के बीच एक प्रोबेबल वॉर कैसा दिख सकता है और किन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके इंडिया चाइना को हरा सकता है। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज़, चाइना ने इन सभी डायमेंशंस में बड़ी ग्रोथ हासिल करी है, जैसे स्पेस वॉरफेयर, जिसमें सैटेलाइट डैजलिंग और ब्लाइंडिंग करी जाती है ताकि अगले देश को अपने मूवमेंट्स का पता ना लगे। साइबर वॉरफेयर, जिससे अगले देश की इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन और कंप्यूटर सिस्टम्स पर अटैक कर सकते हैं, जैसे अक्टूबर 2020 में चाइना ने मुंबई के पावर ग्रिड पर अटैक करके एक ब्लैकआउट किया था, जहां पर कुछ देर के लिए कभी ना रुकने वाली मुंबई रुक गई थी। ये रात के अंधेरे में भी कभी न थमने वाली मुंबई की उस दिन की तस्वीर है जब मुंबई ठहर गई। ट्रेनों के पहिए जाम हो गए, शेयर बाजार में अंधेरा छा गया, वेंटिलेटर और दूसरे जरूरी उपकरणों को चलाने के लिए जनरेटर का सहारा लेना पड़ा। 12 अक्टूबर को मुंबई में हुए बड़े पावर कट की जांच में चीन की सस्पेक्टेड रोल ऑफ चाइनीज हैकर्स बिहाइंड दैट आउटेज, पोटेंशियल साइबर वॉरफेयर बाय चाइना, व्हिच केम आउट एंड व्हिच वाज कोटेड बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स। AI, जिसमें अनमैन्ड एयर व्हीकल्स और ड्रोन्स जैसे इक्विपमेंट आते हैं। Australian Air Force researchers in collaboration with Boeing are currently developing the robotic Loyal Wingman, designed to fly alongside a jet flown by a human pilot. This unmanned aircraft would fight off the enemy, complete its mission, or help the human pilot to do so. And while they don't exist now, killer robots are a worry for many. ये मॉडर्नाइजेशन में गैप का कारण है इंडिया और चाइना की मिलिट्री स्पेंडिंग में डिफरेंस, जो ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ऑलमोस्ट 3 times। ये गैप इसीलिए भी है क्योंकि इंडिया के बजट का 60% जाता है पर्सनल कॉस्ट पर, मतलब पेंशंस और सैलरीज पर, और चाइना का सिर्फ 30% जाता है। इससे चाइना और भी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन पर खर्चा कर पाता है। इस गैप को इंडिया भली भांति जानता है, इसीलिए हर एस्पेक्ट में इंडिया अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, या वो रीजनल इन्फ्लुएंस की बात हो, जैसे इंडो पैसिफिक में, जहाँ चाइना ने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया है जो चाइना के कमर्शियल और मिलिट्री फैसिलिटीज़ का नेटवर्क है, जिसका इस्तेमाल करके चाइना इंडिया को घेरना चाहता है। एक नेकलेस ऑफ डायमंड्स बनाकर इंडिया इसका जवाब चाइना को उसी के भाषा में दे रहा है, या फिर वो AI, साइबर या स्पेस वॉरफेयर की ही बात क्यों ना हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस भारतीय UAV और ड्रोन आसमान से चीन और पाकिस्तान पर बम और मिसाइल की ऐसी बारूदी बारिश करेंगे कि सब कुछ धुआं धुआं हो जाएगा।
सीमा पार से आने वाले आतंकवादी और भारत के दुश्मन अब भेष बदलकर भी सुरक्षा बलों की नजरों से बच नहीं पाएंगे। न्यूज नेशन के संवाददाता मधुरेंद्र कुमार ने भेष बदलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस भारत के इस बाज की नजरों से बचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन बच नहीं सके। ट्रेनिंग और सिमुलेशन को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से बेहतर बनाया जा रहा है। इंडिया इज नाउ पार्ट ऑफ एन एलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज विच कैन फायर एट टारगेट्स इन स्पेस। एन एंटी सैटेलाइट वेपन विल प्रूव टू बी अ वैल्यूएबल डिटेरेंट फॉर इंडिया। हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। एंड लास्टली दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज अगेन ब्रॉट टू द फोर द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन काइनेटिक मीन्स ऑफ वॉरफेयर सच एज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड साइबर वॉरफेयर। सो दीज आर द एरियाज अगेन इन विच वी नीड टू build our capability and capacities as we continue to prepare ourselves for future conflicts. Modernization aur technology mein gap hone ke bawajood kaise India China ko chote mote aur targeted reforms karke ek all out war mein hara sakta hai, is scenario ko is article mein bade hi acche tarike se explain kiya gaya hai. Agar padhna hai to link is in the box. Jab cheeze escalate ho jayengi to shayad